आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मखाने की खीर अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया के लिए। देखें, वैसे तो मखाने की खीर आप जब मर्जी बना के खा सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का त्यौहार हो और मखाने की खीर ना बने, और वो भी मेवो वाली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले फ्लेम पे हमने पैन चढ़ा दिया है और इसमें ऐड किया है 4 बड़े चम्मच देसी घी। जब हमारा देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमें फ्राई करना है। यहाँ पर देखें, मैंने काजू लिए हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बादाम और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पिस्ता। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, लेकिन देखिए, काजू और जो बादाम मैंने लिए ना, उनके कुछ जो काजू बादाम थे उनको सिर्फ 2 स्लाइसेस में भाग किया है, ताकि हम जब लास्ट में इसकी गार्निशिंग करें खीर की तो ये उसमें काम आ जाएंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं या खरबूजे के बीज भी। अब देखें, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये देखें, जो पैन के अंदर घी बच गया है इसके अंदर हम ऐड करेंगे लगभग 30 ग्राम मखाने, और अब मीडियम फ्लेम पर हमें इन मखानों को घी के अंदर रोस्ट करना है, ताकि जो हमारे मखाने हैं थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। हल्का सा इन पे गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर हमारे जो मखाने हैं वो रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो किसी बॉल में भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, इन मखानों को हमें क्रश करना है। आप चाहें तो इनको मिक्सर जार के अंदर डाल के बिल्कुल हल्का सा पल्स पे चलाकर थोड़ा सा इसे पीस सकते हैं, यानी इसके टुकड़े कर सकते हैं, या फिर मेरी तरीके से कोई भी भारी चीज़ लेकर इनको क्रश कर सकते हैं। भाई देखें, अगर आपको थोड़ा पाउडरेड फॉर्म में चाहिए मखाने तो आप मिक्सर में करिए, अदरवाइज अगर आपको थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े पसंद है खीर के अंदर मखाने के, तो मेरी तरीके से क्रश करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी पे कान्हा जी के लिए धनिये की पंजीरी बनाना चाहते हैं, मथुरा के पेड़े बनाना चाहते हैं, नारियल पाक बनाना चाहते हैं, या फिर और भी कोई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उन रेसिपीज को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। चलें, हमने मखाने क्रश करके तैयार कर लिए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इन्हें एक साइड रख देते हैं और बाकी तैयारी शुरू करेंगे। चलें, अब एक बर्तन में हमने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इस बर्तन में डालने से पहले हमने इसे थोड़ा सा गीला कर लिया था बर्तन को, ताकि जो दूध है वो तली पे ना चिपके। आप चाहें तो इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इस दूध को हमें एक उबाल देना है। ये देखें, हमारे दूध के अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। बस इस स्टेज पर हम फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे, और मीडियम फ्लेम लाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे क्रश्ड मखाने, जो हमने पहले से अभी फ्राई करके और क्रश करके रखे हुए हैं। सारे मखाने ऐड करने के बाद अब लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाना है, ताकि जो हमारे मखाने हैं वो दूध के साथ अच्छे से पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। मखाने की खीर बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। टोटल 15 से 20 मिनट का समय लगता है और गाढ़ी खीर तैयार हो जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम खीर को लगातार चलाते रहें, ताकि खीर जो है वो बर्तन के तले पे ना चिपके। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ कच्चा नारियल। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सूखा नारियल भी ऐड कर सकते हैं। बस सूखा नारियल अगर ऐड करें ना, तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स को घी के साथ रोस्ट किया था, वैसे ही सूखे नारियल को भी रोस्ट कर लीजिएगा। लगभग 7 से 8 मिनट का समय हो गया है हमारी खीर को पकते हुए, और आप देखें गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस इस स्टेज पर मीठा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 120 ग्राम के करीब कंडेंस्ड मिल्क। मैं यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीनी डालेंगे तो चीनी जाएगी लगभग 200 ग्राम। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने से जो हमारी खीर है उसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाता है। बाकी तो चीनी से भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है खीर। अब मीठा ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए और हम अपनी खीर को पका लेंगे।
अब देखें खीर हमारी गाढ़ी हो गई है, हमने मीठा डालने के बाद भी इसे पका लिया है। चलें खीर हमारी बिल्कुल बढ़िया गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे घी में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से खीर के साथ मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो खीर के अंदर केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं खुशबू और रंगत के लिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम खीर के अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर हमें तभी ऐड करना है जब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम खीर के अंदर। और बस अब हम अपनी खीर को छोड़ देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में लगा देंगे ताकि खीर हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। चलें खीर हमारी ठंडी हो चुकी है, अब आप इसको अपने प्यारे कान्हा जी के भोग के लिए निकाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रीमी खीर बनके तैयार होती है। इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप इसका भोग जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।